नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक बोल हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। और आज की चर्चा रहेगी मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल शक्तिशाली उग्र ग्रह माना गया, इसलिए इससे प्रभावित जातकों के व्यवहार में क्रोध की प्रवृत्ति अधिक होती है। मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति, हिम्मत, साहस, पराक्रम का कारक भी है। इसलिए अगर कुंडली में इसका कमजोर होना जातक में क्षमता और आत्मविश्वास की कमी लाता है। इसके अलावा ये ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल मेष वृश्चिक का स्वामी है, मकर राशि में उच्च का, कर्क में नीच का होता है और कर्क सिंह लगन में दोनों लग्नों में ये योग करी होता है। 22 अक्टूबर को मंगल अपना एनमी साइन कन्या से निकलकर शुक्र की राशि तुला, जहां शनि उच्च के होते हैं, उसमें प्रवेश करने जा रहा है। जहां पर मंगल के मित्र सूर्य पहले से ही नीच भंग राजयोग लेकर विराजमान होंगे, क्योंकि मकर राशि में शनि विराजमान है जो मंगल की उच्च राशि है। मतलब शनि की जो 10th एस्पेक्ट है, दृष्टि है, इन दोनों पर होगी और मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व ग्रह। कुछ ही समय बाद बुध भी इनसे युति योग करेगा। इसी बीच मंगल बुध सूर्य से अस्त भी होंगे, फिर भी आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल सेनापति, सूर्य राजा और शनि प्रजा, आने वाले दिनों में इनके बीच कुछ ना कुछ टकराव होता साफ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जैसे कोई रेल हादसा या फिर वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना। मंगल यहां पर 5 दिसंबर तक रहेगी। तो आइए जानते हैं मंगल का तुला राशि में जो परिवर्तन होने जा रहा है, 12 के 12 जो लग्न है उनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। मंगल आपके चार्ट में लग्न और 8th भाव के स्वामी होकर 7th भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान जीवन साथी से झगड़े हो सकते हैं, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत और फिटनेस के प्रति आपको सचेत रहना होगा। यदि जातक की कुंडली में जन्म चार्ट मंगल कमजोर या अशुभ स्थिति में है तो इस गोचर के दौरान उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जीवन साथी के व्यवहार में आक्रामकता बढ़ जाएगी और वह आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको समझदारी और स्थिति को देखते हुए उसे संभालने का सुझाव दिया जाता है। इस दौरान मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन शनि और गुरु 10th में और मंगल की दृष्टि व्यापार में 29 जो है दिखाई दे रही है और अच्छा आर्थिक लाभ यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। ऊर्जा साहस का कारक, दोस्तों मंगल आपके चार्ट में 8th और 12th भाव का स्वामी होकर 6th भाव में प्रवेश करेगा। आपके चार्ट में मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इस दौरान आप शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे। यदि किसी कोर्ट केस का फैसला इस समय आने वाला होगा तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। इस समय सेहत के साथ बिल्कुल भी अनदेखी ना करें और अपने आप को फिट रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से आप इस दौरान निजात पा जाएंगे। छोटे मोटे झगड़े आदि जीवन साथी से होते रहेंगे। खर्चों में इजाफा होगा क्योंकि आप बिना किसी संकोच के खुलकर खर्च करेंगे। जो काफी समय से नौकरी की तलाश में थे उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है। कार्यस्थल पर कामयाबी हासिल करने के लिए आप दृढ़ इच्छा शक्ति से मेहनत करेंगे और लाभ भी उठाएंगे। जो लोग प्रमोशन की राह देख रहे थे उनकी इच्छा यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। सरकारी वर्ग या आपके सीनियर का साथ आपको इस समय जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। दोस्तों, आपके चार्ट में मंगल 6 और 11 त्रिशढ़ाई भाव का स्वामी होकर 5th भाव में प्रवेश करेगा। ऐसा होने से आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। आपके बच्चों का इस दौरान हेल्थ बेहतर
रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, जिससे मन आपका अशांत रहेगा और आप दूसरी कई और समस्याओं से उलझ सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इस बीच सट्टेबाजी, शेयर या मैच फिक्सिंग जैसे जो भी होते हैं काम, उनसे लाभ उठा लें। अपने प्रियजनों के साथ बातचीत करते वक्त ऐसे शब्द बोलने से बचें जो उनके दिल को चुभ सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए पैसे के लेन देन पर कड़ी नजर रखें और बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। बात कर लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। मंगल दोस्तों आपके चार्ट में फिफ्थ टेंथ भाव का स्वामी होने से योग कारक होकर फोर्थ भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान विचारों की सहमति ना हो पाने के कारण अपनी माता के साथ बहस आपकी हो सकती है। बहस और झगड़ों के बढ़ जाने के कारण शादीशुदा जीवन में शांति भंग होने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। माता की हेल्थ इस समय बीच में बिगड़ सकती है। परिवार से अलगाव की संभावना है। बुखार, बदहजमी और ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको घेर सकती हैं। बेफजूल की बहस आदि से बचें और शांति बनाए रखें। कैरियर में बढ़ोतरी के लिए आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अच्छे काम के लिए प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। बात कर लेते हैं सिंगल लग्न के जातकों के बारे में। आपके चार्ट में भी मंगल जो है फोर्थ और नाइन्थ भाव का स्वामी होने से योग कारक होकर थर्ड भाव में प्रवेश करेगा। इस समय आप खुद को काफी फिट महसूस करेंगे और जो अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। इस दौरान आप अपने विचार और मत से लोगों को पराजित करने में कामयाब रहेंगे। भौतिक दृष्टिकोण से यह समय लाभ का होगा। आय में बढ़ोतरी होगी। आपके आत्मविश्वास और साहस में इस समय इजाफा होगा, लेकिन आपके भाई बहनों को थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना इस समय या इस समय दौरान करना पड़ सकता है। इस दौरान होने वाली यात्राएं आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा यात्रा करते हुए सचेत रहना चाहिए। आपको सरकार या वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी लाभ प्राप्त होंगे। सहकर्मियों के साथ बहस हो सकती है, बावजूद इसके आपके कैरियर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। मंगल दोस्तों आपके थर्ड और एट भाव का एक त्रिष्ठाई भाव है, एक त्रिक भाव का स्वामी होकर सेकंड भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी भाषा में इस दौरान कठोरता आ जाएगी। अपने से उच्च अधिकारियों से हुई बहस आपको इस समय दौरान दोस्तों परेशानी में डाल सकती है। आपके व्यवहार में अनैतिकता आ जाने के कारण समाज में आपका नेम फेम खराब हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी आपके झगड़े हो सकते हैं, बावजूद इसके भी आपके भाई बहन आपका हर प्रकार से सहयोग करते नजर आएंगे। आपके पिता या जीवन साथी को हेल्थ संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कैरियर के रास्ते में रुकावटें इस समय दौरान आ सकती हैं, जिन्हें आपको अपनी सूझबूझ से हटाना होगा। बात कर लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। मंगल आपके चार्ट में सेकंड और सेवन भाव का स्वामी होकर आपके लग्न में ही प्रवेश करने जा रहा है, जिससे आपका गुस्सा बढ़ेगा। सेकंड सेवंथ दोनों मार्क भाव है, इस कारण हेल्थ में गिरावट आ सकती है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। दूसरों पर हावी होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। निजी जीवन में होने वाले झगड़े जो हैं आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट फोर्थ भाव पर होगा, जहां शनि अपनी मकर राशि में होंगे, इसलिए इस समय आपको अपनी मदर का ख्याल रखना होगा, नहीं तो उनकी हेल्थ यहाँ पर खराब हो सकती है। अपने टारगेट को हासिल करने के लिए इस समय आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। किसी भी खतरे या दुर्घटना से बचने के लिए आपको हदायत दी जाती है कि गाड़ी संभल कर चलाए। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के। आपके चार्ट में मंगल लग्न सिक्स का स्वामी होकर ट्वेल्व भाव में प्रवेश करेगा। इस गोचर से आपके मैरिड लाइफ में परेशानियां बढ़ सकती हैं, लग्नेश का जो है ट्वेल्व भाव में जाने के कारण। जीवन साथी को आपके व्यवहार से लगातार टेंशन या प्रॉब्लम जो है हो सकती है। हाथ खुला होने के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आप किसी दूर स्थान विदेश जाने का प्लानिंग जो है बना सकते हैं। कामों में आने वाली रुकावटों से आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि अपनी मेहनत से ही आप उन रुकावटों को दूर कर पाएंगे। इस समय आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्नेश 12 भाव में गोचर करेगा। पीलिया
अल्सर जैसी जो बीमारियां आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकती हैं। मन बेचैन रहने के कारण अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, वरना चोट आदि लगने का खतरा मंडरा रहा है। बात कर लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। मंगल आपके चार्ट में फिफ्थ और ट्वेल्थ भाव का स्वामी होकर इलेवंथ भाव में गोचर करेगा। इलेवंथ भाव किसी भी चार्ट में लाभ का भाव होता है, जिसके कारण आपको इस समय दौरान कई फायदे होंगे। दोस्तों के साथ आपको काफी अच्छा आप अपने आप को महसूस करेंगे। सामाजिक जो स्थिति में बढ़ोतरी होगी, कामों में सफलता मिलेगी, बिजनेस में सुधार होगा और आपको इस समय दौरान खुशियां प्राप्त होंगी। लव रिलेशन में थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। विदेशों से आपको लाभ इस समय दौरान हो सकता है, विदेशी जमीन से मुनाफा होने की उम्मीद है। यदि आप किसी तरह के समझौता करने के बारे में किसी से सोच रहे थे तो उसमें आपको इस समय सफलता मिल सकती है दोस्तों। इस गोचर के चलते आपकी सेहत में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। आपके चार्ट में मंगल 4-11 का स्वामी होगा, 10th भाव में प्रवेश करेगा और इस समय आप कैरियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपको प्रमोशन के साथ सैलरी में बढ़ोतरी आदि की सौगात जो है वो इस समय दौरान मिल सकती है। किसी बड़े काम को करने का अधिकार भी आपको मिल सकता है, लेकिन खुद को किसी भी विवाद से आपको दूर रखना होगा। काम में ज्यादा व्यक्त देने की वजह से आप परिवार में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे निजी जीवन में थोड़ी बहुत अशांति रह सकती है। आप इस बीच किसी जमीन या अन्य प्रॉपर्टी का सौदा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए यह जो गोचर होगा वो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अहम रहने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। मंगल आपके चार्ट में दोस्तों 3rd 10 का स्वामी होकर 9th भाव में प्रवेश करेगा। इस समय आप अपनी जॉब चल रही है आप अभी कर रहे हैं उसको चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि 9th भाव 10th भाव से 12 बनता है, या फिर यहाँ पर 3rd 9 10 एक्टिव होने की वजह से आपका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर भी हो सकता है। आय के अच्छे सोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। माता पिता खास तौर पर पिता की हेल्थ इस दौरान खराब हो सकती है। व्यापार में कुछ खास परिणाम हासिल तो नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने कामों के कारण समाज में इज्जत मिलेगी और आर्थिक स्थिति फिर भी आपकी अच्छी रहेगी। भाई बहनों और सहयोग जो आपके साथ काम करने वाले हैं सहभागी, उनके साथ किसी भी विवाद से बचने के लिए बोलने से पहले 2 बार आपको जरूर सोचना पड़ेगा। इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से जीवन साथी का कैरियर जरूर चमकेगा। बात कर लेते हैं सबसे लास्ट मीन लग्न के जातकों के बारे में। आपके चार्ट में मंगल जो है 2nd 9 भाव का स्वामी होकर 8th भाव में प्रवेश करेगा दोस्तों। 8th भाव अच्छा भाव नहीं होता, इसलिए इस समय दौरान आप काफी असंतुष्ट रहेंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने आप को खून से संबंधित विकारों, चोटों, दुर्घटनाओं, सर्जरी आदि से आपको बचना होगा। आपके कामों में रुकावटें जरूर आएंगी। बेफजूल की यात्राएं और आर्थिक स्थिति में गिरावट होने से मानसिक तौर पर आप परेशान इस समय दौरान हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ विवाद या बहस करने से बचना होगा। भाई बहनों को कई चुनौतियों का सामना करना यहाँ पड़ सकता है, लेकिन फिर भी इस गोचर के दौरान आपको कुछ ना कुछ अचानक जो आर्थिक लाभ हो सकता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी चर्चा मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 22 अक्टूबर को तुला राशि में होने जा रहा है और यहां पर मंगल जो है 5 दिसंबर तक रहेंगे और उसके बाद अपनी जो राशि है वृश्चिक, जहां पर केतु पहले से विराजमान है, वहां पर मूव हो जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट वहां पर रख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।